फाइनली आप सभी के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो हुआ था, यानी कि कंपार्टमेंट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है या फिर इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम आपने जुलाई में 17 तारीख को दिया था, उसके लिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। कई बच्चों का लाइव स्ट्रीम में भी डाउट था कि रीचेकिंग कब से स्टार्ट होगी, तो रीचेकिंग आपकी स्टार्ट होने जा रही है आपकी 3 तारीख से। तो ये आपके लिए डेट्स हैं, सबसे पहले आप डेट्स देख लें, डेट्स क्या हैं। 3 तारीख को आपकी स्टार्ट हो जाएगी जो कि चलेगी 14 तारीख तक। अब ये कैसे करना है अप्लाई, क्या स्टेप्स होते हैं, ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रीचेकिंग करानी है तो। अब रीचेकिंग कराने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा स्टेप है ऑप्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ एवेल्युएटेड आंसर बुक्स, और तीसरा होता है कि आप उसको दोबारा से अपना जो क्वेश्चन है उसको री इवेल्युएट करा सकते हो। और वो कैसे होगा ये हमको समझना है। रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स आपके लिए जो कहते हैं वो ये है कि अगर आपका मार्क्स बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन मार्क्स घट भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को डाउट यही होता है कि क्या मार्क्स घट जाएंगे, तो बिल्कुल घट जाएंगे। आप पॉइंट नंबर 6 पढ़िए, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। अगर एक नंबर भी कम होता है तो वो आपको अफेक्ट करेगा, आपकी मार्कशीट में एक नंबर घटकर आएगा और वो आपके फाइनल मार्क्स होंगे। इसके बाद आप दोबारा रिचेक नहीं करा सकते, फाइनल होता है। ठीक है, पहला है रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। सारा काम ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। सारी पेमेंट्स ऑनलाइन होंगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, चेकबुक, सॉरी चेक, कैश, मनी ऑर्डर, ये सब से आप नहीं कर पाएंगे पेमेंट। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आई थिंक UPI का शायद ऑप्शन होगा, वो आप जब भरेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही सिंगल्स एप्लीकेशन होगी, एक कैंडिडेट की एक ही एप्लीकेशन होगी, दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो सबसे ज़रूरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपको पक्की बात ध्यान रखनी है, इसके अलावा अगर आप चीज़ों को करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। ये ध्यान रखना है कि वही बच्चा स्टेप करेगा जिसने पहले स्टेप्स कर रखे होंगे, यानी कि जैसे 3 स्टेप हैं तो 3 स्टेप को आप एक तरह से 3 सीढ़ियाँ समझ लीजिए। ये 3 सीढ़ियाँ हैं, अगर आपने पहली सीढ़ी नहीं ली है तो आप दूसरी सीढ़ी पर नहीं जा सकते हैं या फिर 3 सीढ़ी पर नहीं जा सकते हैं। अगर आपने पहला सीढ़ी पर पैर रखा तो ठीक है, आप दूसरी सीढ़ी पर पैर रख सकते हैं, फिर आप 3री पर रख सकते हैं। लेकिन मान लो किसी बच्चे ने पहली सीढ़ी पर तो पैर नहीं रखा, तो ऐसा नहीं कि वो दूसरी 3री सीढ़ी पर चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये CBSE का रूल है, हर साल का रूल है, चाहे वो बोर्ड का मेन एग्ज़ाम हो यानी कि जो मार्च में एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी सेम रूल है, और जो सप्लीमेंट्री का जो ये PDF आई है बिल्कुल सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों का बिल्कुल सेम है, कुछ अलग रूल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप पहला स्टेप कराएंगे यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराएंगे, जिसकी फ़ीस है 500 रुपये, 500 रुपीज़ है, अगर आप ये करते हैं तभी आप दूसरा स्टेप ले सकते हैं। अब ये स्टेप होता क्या है, इस स्टेप के अंदर सिर्फ आपका वेरिफिकेशन होना है, यानी कि आपकी जो कॉपी है उसमें ये वेरीफाई किया जाएगा कि जो टोटल नंबर हुए हैं, जो टोटल टीचर ने जो टोटल मार्क्स दिए हैं, क्या उसमें तो कोई गलती नहीं कर दी है। आपका आंसर चेक नहीं होगा, सिर्फ ये चेक होगा कि आपके जो आंसर के नंबर दिए गए उसको जोड़ने में कहीं टोटल करने में कोई गलती ना हो गई हो, सिर्फ यही चेक होगा। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसकी फ़ीस होती है 500 रुपये, 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और ये भी ध्यान रखना है कि आप जितने सब्जेक्ट का कराते हैं सिर्फ उसी का करा सकते हैं, बाद में आप सब्जेक्ट को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, ये बात होती है। दूसरी बात कि आप जुलाई वाला तो आपने दिया ही है एक सब्जेक्ट का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट आपने एक ही दिया है तो एक का ही कराओगे, है ना। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो एक ही सब्जेक्ट है तो आपको तो उसी का कराना है। ठीक है, जब आप ये करा लेंगे, इसके बाद आपके पास एक वेबसाइट पर ही आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, कुछ दिनों बाद ही रिज़ल्ट आ जाएगा, कुछ ही दिनों में, लगभग आपके पास तीन चार दिनों में, क्योंकि ये आपका शुरू हो रहा है 3 से लेकर 4, तो 9 तारीख से पहले पहले, 9 तारीख से पहले पहले आपके पास ये शो कर जाएगा कि आपके मार्क्स बढ़े हैं घटे हैं या वही सेम रहेंगे, या तो सेम रहेंगे या बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड इन द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द CBSE वेबसाइट। जब आप अप्लाई करेंगे आपको एक लॉगिन दी जाएगी, वो ID पे आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इन केस ऑफ अ चेंज इन मार्क्स द फर्स्ट कम्युनिकेशन डेट मार्क्स हैव बीन चेंज्ड विल बी प्रोवाइडेड होस्टेड। जैसे ही आपके मार्क्स में कोई चेंज होगा आपको पहला कम्युनिकेशन दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट पर कि मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड द एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। जैसे ही रिजल्ट रिकैलकुलेट हो जाएगा फाइनल, तो आपके वो जो मार्क्स बढ़े हैं घटे हैं वो आपको दे दिए जाएंगे।
द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट। एप्लीकेंट जो होंगे वो उनको लगातार वेबसाइट को चेक करना होगा कि उनके मार्क्स बढ़े हैं घटे हैं, ठीक है। फिर अगला, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑप्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक इन दैट सब्जेक्ट। जो इस स्टेप को, इस सीढ़ी को पार करेंगे वही अगली सीढ़ी पर जाएंगे, ये मतलब है, ठीक है। अगला, एप्लीकेशन फॉर ऑप्टेनिंग अ फोटो कॉपी ऑफ द एवेल्यूटेड आंसर बुक, ये है स्टेप नंबर सेकेंड, यानी कि दूसरी सीढ़ी। इस दूसरी सीढ़ी की फीस है 700 रुपये, पहले की 500 रुपये हो गई, अब आएगी दूसरी सीढ़ी। ये जो अप्लाई करेगा उसको मिलेगी उसकी कॉपी की फोटो कॉपी, यानी कि आपकी आंसर बुक की फोटो कॉपी आपको दे दी जाएगी ऑनलाइन PDF। उस PDF के अंदर आपकी कॉपी होगी, आपकी कॉपी में आपने क्या लिखा है, कैसे वो चेक हुई है, कितने नंबर दिए गए हैं, वो सब में मेंशन होगा। उसमें बस आपको ध्यान रखना है कि वो आपको चेक करना है कि हमारे जो आंसर्स हैं उसमें कितने नंबर दिए हैं, वो सब आप देख सकते हैं, उसे बोलते हैं फोटो कॉपी। वो 700 रुपये में मिलती है, एक सब्जेक्ट के 700 रुपये होते हैं, तो ये आपको भर देने हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स, जो पहली सीढ़ी को जिन्होंने अप्लाई किया था वही इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये बात आप समझ चुके हो। फीस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं उससे, है ना। अगला, एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द इनकमिट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड एंड फीस डिपॉजिटेड शैल बी फॉर विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। अच्छा, अगर किसी और ने, कोई और कैंडिडेट है, किसी और के लिए आपने फॉर्म भरा है या फिर कोई इनकम्प्लीट भरा है, फीस नहीं पे करी, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, और जो फीस अगर आपने भरी भी होगी तो वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड अ स्कैंड कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर एंड अदर ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस। जो आपको कॉपी मिलेगी वो मिलेगी आपके लॉगिन ID में, PDF मिल जाएगी, उसमें से टीचर का नाम वगैरह सब छुपा लिया जाता है, वो आपको नहीं दिखाएंगे। इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स। अब आपको दोबारा से तीसरा स्टेप अब लेना पड़ेगा, तीसरा स्टेप होती है यानी कि इसमें आपको अपना क्वेश्चन रीचेक करा सकते हो। तब समझ पा रहे हो ना, अपना क्वेश्चन चेक कराने के लिए आपको पहले दो सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेंगी, जिसमें से 500 रुपये और 700 रुपये देने पड़ेंगे, तब जा आप लास्ट वाले स्टेप में अपना आंसर दोबारा से रीचेक करा सकते हो। इसको बोलते हैं, इसमें 100 रुपये लगते हैं एक क्वेश्चन के, तो ये स्टेप को बोलते हैं री इवेल्युएशन ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटो कॉपी ऑफ द जिसने दूसरी सीढ़ी को पार किया है वही इस सीढ़ी पर जा सकता है, ये इनका कहने का मतलब है। रिक्वेस्ट फॉर चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन एट ₹100 पर क्वेश्चन। जो थ्योरी वाला एग्जाम आपने दिया है उसमें से एक क्वेश्चन के 100 रुपये, यानी कि मान लो आपको 4 क्वेश्चन चेक कराने हैं तो 400 रुपये, 5 क्वेश्चन चेक कराने हैं 500 रुपये, ठीक है। वो आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर, वहाँ पूरा लिस्ट होती है, उसमें से आप टिक करोगे कि मुझे ये क्वेश्चन रीचेक कराना है, इसमें कुछ गलती है, टीचर ने गलती करी है, ये क्वेश्चन मेरा गलत चेक हुआ है, इसको दोबारा चेक कराना है। तो पूरा पेपर चेक नहीं होता, पूरी कॉपी चेक नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन चेक होते हैं जो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम द सब्जेक्ट कंसर्न विद विच वुड बी अवेलेबल द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। जब आप ये चेक करोगे ना, आपको PDF के साथ साथ उस सब्जेक्ट का एक तो पेपर मिलेगा, साथ में मिलेगी मार्किंग स्कीम, यानी कि उस क्वेश्चन के कितने क्या आंसर था, वो सब CBSE के द्वारा ही आपको दी जाएगी कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो सही है। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या मैंने वो आंसर लिखा है, क्या मार्किंग स्कीम के हिसाब से मेरा आंसर सही है, अगर सही लगता है तो आप उसको रीचेक करा सकते हो, ठीक है। देर आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवेल्यूशन रिक्वायर्ड क्वेश्चन विद रीजनिंग। आपको लिखना भी पड़ेगा वहाँ पे कि मुझे क्वेश्चन चेक कराना क्यों कराना है, क्या गलती आपको लगती है, क्या आपको लगता है कि इसमें क्या लिखना सही है, मेरा जो आंसर है वो सही है, वो क्यों सही है, वो आपको उसमें रीजनिंग लिखनी होती है और आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ री इवेल्यूशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। इसमें आपको जो है उसमें अपलोड हो जाएगा और रीजन ऑफिस से भी कुछ कम्युनिकेशन वगैरह हो सकता है। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी 50। अगर एक नंबर भी कम हो गया तो आपको एक नंबर कम वाला भी दिया जाएगा। जितने भी नंबर बढ़ेंगे तो बढ़े हुए दिए जाएंगे, कम वाले होंगे तो कम वाले दिए जाएंगे, सेम होंगे तो सेम। रिजल्ट ऑफ द रिवेल्यूशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवेल्यूशन वुड बी एंटरटेन्ड। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, रिवेल्यूशन हो जाएगा तो ये फाइनल होगा, इसके बाद अब दोबारा से रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन द केस ऑफ ऑल अबव थ्री एक्टिविटीज द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। ये फाइनल होगा और बच्चों को मानना होगा, ठीक है। फोटोकॉपी जो दी जा रही है वो RTI एक्ट के तहत दी जा रही है, ठीक है, लिखा हुआ है। डेट्स आपको पता चल गई हैं, ये डेट्स का ध्यान रखना है, इन डेट के बीच में आपके लिए होगा, ज़्यादा समय नहीं मिलता है। पहला स्टेप के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, सेकेंड स्टेप के लिए भी सिर्फ 1 दिन का समय है,
सिर्फ एक दिन का, क्योंकि 9 अगस्त को ही स्टार्ट हो जाएगा और 9 अगस्त को ही ख़त्म हो जाएगा। तीसरा स्टेप भी 14 तारीख को शुरू होगा और 14 की रात तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट थी, इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी, अच्छे से आपको समझ आ गया हो। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो से लाइक करें, और कोई डाउट तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करना कॉलिंग फॉर ऐप, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आईडी सर्च कीजिए, वेब योर क्लासेज एट द रेट CM4, आईडी भी मैंशनड है डिस्क्रिप्शन। जैसे आप आईडी सर्च करेंगे ऐप पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप चैनल पर जाकर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमें डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।